So today we'll start with exercise 3.2, question number 3. In triangle ABC, if measure of angle A is 45 degree, B equals to 60 degree, find the ratio of its side. क्या फाइंड करने बोलता है रेशियो ऑफ इट्स साइड. एंगल ए गिवन, एंगल बी गिवन 60 डिग्री. ध्यान से सुनना, तो एंगल सी कितना आएगा, सिंस मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज 180. So 45 plus 60 plus C is 180. C is equal to 180 minus 105. Angle C is 75 degree. ठीक है, ये तो आसान है. अभी रेशियो निकलते, साइन रूल देखो, साइन रूल देखो. A upon sin A equals to B upon sin B equals to C upon sin C. बराबर. So by using साइन रूल, अब ये सब रूल का खेल चालू होएगा. सो इन ट्राइंगल ए बी सी बाय साइन रूल क्या आएगा बोलो. ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू के. ओके, सो वी से ए इक्वल्स टू के साइन ए, B equals to K sin B, C equals to K sin C. बराबर. So can I write A upon B is K sin A upon K sin B, and B upon C is K sin B upon K sin C. बराबर. तो ये के और ये के गया, ये के और ये के गया. तो कैन आई राइट ए इज टू बी इज टू सी, ए साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी. वैल्यू डाल दो. साइन ए, ए कितना है, साइन 45. साइन बी, बी इज साइन 60. साइन सी, साइन 75. ये साइन 75 फाइंड करना पड़ेगा अपने को. So first of all, we will find out sine 75. We can write this as sine 30 plus 45. So I got sine A into cos B, cos A into sine B. Samjha kya? So sorry. So we have sin 75 equals sin 30 का वैल्यू हाफ, cos 45 वन बाय रूट टू, cos 30 का वैल्यू रूट थ्री बाय टू, sin 45 वन बाय रूट टू. सो वन अपॉन टू रूट टू, रूट थ्री अपॉन टू रूट टू, वन प्लस रूट थ्री अपॉन टू रूट. सर आवाज नहीं आ रही आपकी. हाँ सर, सर वीडियो पॉज हो गया, स्क्रीन ब्लैक हो गई. सर निकल गए.
अभी मुझे बताओ, ये 2√2 है ना, हर एक को 2√2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। इसके पास √2 है तो इसको मैं सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको √2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये होएगा 2√3 और 1+√3। फिर से पॉज सर। बोला सर वो राइट हैंड साइड से वापस एक्सप्लेन करो ना। इधर से 2√2 कॉमन निकाल लिया, ऊपर भी 2√2 कर दिया, इसके पास 2√2 बेस आना चाहिए हर एक का। ये 2√2 है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर √2 से मल्टीप्लाई किया, इधर 1 से मल्टीप्लाई, इधर 2√6 और 1+√3। सर आपने रेशियो ए बाय सी का क्यों नहीं लिया वहां पे? वो लिया ना, ए बी सी तीनों का लिया। नहीं, उसके ऊपर ए बाय बी, बी बाय सी और ए बाय सी कहाँ पे? हाँ एबीसी तीन ही साइड होगी ना, पांच छह साइड कैसे हाँ लाएगा, हाँ तीन ही साइड होती है ट्रायंगल को। अभी सर लास्ट में आपने किससे मल्टीप्लाई किया? मैंने बेस कॉमन ले लिया हर एक का, 2√2 लाना है, सब में 2√2 लाना है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर √2 से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर आ, और इधर 1 से, तो इधर √2, इधर से 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 2√2 हो गया, इसको √2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2√2 हो गया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2√2 तो है ही। अगर इसको तूने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 2 2, इधर तूने √2 एक्स्ट्रा डाला तो इधर √3, 2√2 आएगा, √6 आएगा ये, और ये 1+√3 आएगा। तो मैंने सबका बेस कॉमन निकाला, और रेशियो है तो बेस कट हो जाएगा, 2√2 सबका बेस कॉमन बना और वो बेस कट हो गया। तीन बजे फिजिक्स का लेक्चर है, बहुत लोग फिजिक्स लेक्चर अटेंड करते नहीं है, बैंड बजेगा बाद में फिजिक्स में। तो बाद में मैसेज कर दो ग्रुप में। 3 बजे है लेक्चर, अभी बोल रहा हूँ, हाँ ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 3 बजे, 3 to 4 एक ही घंटा लेता हूँ, उसमें भी 10-12 लोग ही आते हैं, बाद में बहुत प्रॉब्लम होगा मैं फिजिक्स में भाई, एब्सेंट मत रहो। लिखो, हाँ 1 सेकंड में आता हूँ।
चला जा लगा सर, एक मिनट रुको, एक मिनट आइए साइड निकल। इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट साइन बी माइनस सी अपॉन टू इक्वल्स बी माइनस सी अपॉन ए इंटू कॉस ए बाय टू। इम्पोर्टेंट मार्क करो, दिस इज इम्पोर्टेंट। b minus c upon 2 equals to b minus c by a cos a by 2. Done sir. Done. Chalo, most important mark karo. This question was asked in 2019. Recently pucha gaya hua question. Kitne mark tha? Nahi pata. Dekhna padega question paper mein. In triangle हाँ हो सकता है एबीसी बाय साइन रूल वी हैव, देखो ए अपॉन साइन ए बी अपॉन साइन बी सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू के, सो वी सेम ए इक्वल्स टू के साइन ए b equals to k sin b c equals to k sin c बराबर। तो कंसीडर तुम्हारा राइट हैंड साइड ये sin b minus c upon 2 b minus c upon a into cos a by 2, सो b की जगह पे क्या डालेगा, के साइन बी के साइन सी के साइन ए इंटू कॉस ए बाई टू, सब में से के कॉमन निकल के ऊपर में से के को उड़ा दे, सो यू कैन राइट साइन बी माइनस साइन सी अपॉन साइन ए। अब ये साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, करेक्ट, इंटू कॉस ए बाई टू, कॉस ए बाई टू कॉस ए बाई टू गया, वन बाई टू बाहर, और साइन बी माइनस साइन सी क्या आएगा, साइन बी माइनस साइन सी क्या आएगा, टू साइन नहीं टू कॉस, कॉस बी प्लस सी बाई टू इंटू साइन बी माइनस सी बाई टू अपॉन टू साइन ए बाई टू, ये टू और ये टू जा। अभी मुझे बता इन ट्रायंगल ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, सो बी प्लस सी इज 180 माइनस ए, तो कॉस बी प्लस सी बाई टू is equal to pi minus a by 2, so b plus c by 2 is pi by 2 minus a by 2। देख लो क्या किया, ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन 180, तो b plus c is equal to 180 minus a, दोनों बाजू डिवाइड बाय 2, b plus c is equal to pi by 2 minus a by 2, ये 2 को सेपरेट करते हैं, b plus c by 2 को इधर देख, b plus c by 2 को इससे रिप्लेस करता हूँ, so this will be cos pi by 2 minus a by 2 into sin b minus c by 2 upon sin a by 2। Now cos 180 sorry cos 90 minus theta क्या होगा, what is cos 90 minus theta will be sin theta into sin b minus c by 2 upon sin a by 2, so this is sin b minus c by 2 equals to LHS। देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, आने का चांस।
सर हम्म, वो बी प्लस सी प्लस पाई माइनस से उसको डिवाइड बाय टू माइनस है, दोनों बाजू डिवाइड बाय टू कर दिया। हाँ ठीक, और उसके बाद वो कॉस वो है सर, वो तो वैल्यू पुट कर दिया ना, बी प्लस सी बाय टू का वैल्यू। हाँ सर्कल किया हुआ है देख, बी प्लस सी बाय टू का वैल्यू क्या है, पाई बाय टू माइनस ए बाय टू, इसकी जगह पे पाई बाय टू माइनस ए बाय टू, साइन बी माइनस सी बाय टू अपन साइन ए बाय टू। बोलो क्या डाउट। हो गया सर, बाकी है। हाँ राइट हैंड साइड, हाँ लिखो लिखो लिख लो, आराम से लिखो। चलो हुआ कि नहीं? डन सर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिना प्रैक्टिस का आएगा नहीं है सब, आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, भूल जाओगे नहीं तो। नंबर पांच, विद यूजुअल नोटेशन प्रूव दैट टू इंटू ए साइन स्क्वायर सी बाय टू प्लस सी
साइन स्क्वायर ए बाई टू इक्वल्स टू ए माइनस बी प्लस सी. चलो कंसिडर एल एच एस इक्वल्स टू टू इंटू ए साइन स्क्वायर सी बाई टू इक्वल टू क्या लिखा ए माइनस बी प्लस सी. अभी बहुत ध्यान से समझना ट्रिगो का फॉर्मूला यूज करो. ट्रिगो का ए का ए ये साइन स्क्वायर सी बाई टू कैन बी रिटर्न एज वन माइनस कॉस सी अपॉन टू और ये साइन स्क्वायर ए बाई टू इज वन माइनस कॉस ए बाई टू. ये समझा क्या देखो. फिर ये दोनों का टू ये दोनों का टू बाहर निकल के ये टू के साथ कट कर दिया तो बचा वन माइनस कॉस सी प्लस सी इंटू वन माइनस कॉस ए ए माइनस ए कॉस सी सी माइनस सी कॉस ए. ठीक है ये बचा ए प्लस सी माइनस कॉमन निकाला ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए. अभी इसकी जगह पे प्रोजेक्शन रूल देखो इसकी जगह पे प्रोजेक्शन रूल देखो तो मिलेगा बी. सो वी कैन से ए माइनस बी प्लस सी. यहाँ पे लिखने का रीजन बाय प्रोजेक्शन रूल. बाय प्रोजेक्शन रूल ये वाला जो स्टेप है वो इसको अगर हमने रिप्लेस किया है बी से तो ये कौन सा रूल है प्रोजेक्शन रूल है. देख लो एक बार एंड दिस इज इक्वल्स टू आर एच एस. सबसे इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला ट्रिगो का. प्रोजेक्शन रूल ले दिस इज प्रोजेक्शन रूल. दोनों का सही हाँ दोनों का सही हाँ जो आएगा वो बोर्ड वाले डिसाइड करेंगे. हो जाएगा तो बोलो. सर मैथ्स वन के कितने चैप्टर बाकी रह गए. मैथ्स वन में देखो चैप्टर हो गया अपना लॉजिक. देखो मैं चैप्टर बोलता हूँ टोटल सात चैप्टर है. लॉजिक मैट्रिसेस ट्रिगो फंक्शन पेयर ऑफ लाइन वेक्टर लाइन प्लेन एंड लीनियर प्रोग्रामिंग. जिसमें से अपने पहले चार इसको गिनेंगे तो पहले चार खत्म अभी तीन बाकी फाइव सिक्स सेवन. तीन चैप्टर बाकी है मैथ्स वन. मैथ्स वन हो गया खत्म. ये तो अगले महीने तक हो जाएगा ना आराम से. हाँ होना मांगता है. यस तो मई महीना है. चलो मई महीना 25 हो गया मई जून. हाँ हो जाएगा आराम से हो जाएगा. मैथ्स वन स्कोरिंग भी है इजी भी है स्कोरिंग भी है. मैथ्स वन खत्म कर देंगे अपन. चलो हो गया. यस सर हो गया. वो जो अपने को छोड़ के गए ना उनकी लगेगी बराबर से.
पागल लोग। नंबर छह, इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट ए क्यूब साइन बी माइनस सी बी क्यूब साइन सी माइनस ए प्लस सी क्यूब साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू जीरो। चलो बढ़िया, ध्यान से सुनना, अभी बड़ा सा है, इजी है लेकिन लेंदी है थोड़ा सा, एकदम ध्यान से सुनना। इन ट्रायंगल एबीसी जो जो स्टेप नहीं समझा उधर ही रोक देना, बाय साइन रूल। सो वी हैव साइन ए, अभी मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा तो भी चलेगा ना, रेशियो है तो कैसे भी लिख सकते हैं। साइन बी अपॉन बी इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी इक्वल्स टू के। सो वी हैव साइन ए इज इक्वल टू ए के, साइन बी इज इक्वल टू बी के, साइन सी इज इक्वल टू सी के। कोई डाउट? नाउ फर्स्ट पार्ट कंसिडर करते हैं। कंसिडर ए क्यूब इंटू साइन बी माइनस सी, समझना, ध्यान से समझना। सो वी कैन से ए क्यूब इंटू साइन बी माइनस सी का फॉर्मूला, साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी, करेक्ट। सो ए क्यूब इंटू साइन बी का वैल्यू बी के कॉस सी माइनस साइन सी का वैल्यू सी के कॉस बी, दोनों में से के कॉमन, ए क्यूब इंटू के बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी। बराबर, अब इधर का एक ए अंदर डाल दो तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, ए बी कॉस सी माइनस ए सी कॉस बी, ए मैंने यहां से अंदर डाल दिया, करेक्ट। अभी ध्यान से सुनना, मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, या रहने दो, कॉस सी का वैल्यू बताओ मुझे, कोसाइन रूल देखो, कोसाइन रूल, कोसाइन रूल में वैल्यू मुझे चाहिए कॉस सी का, कॉस सी का वैल्यू चाहिए और कॉस बी का वैल्यू, कोसाइन रूल देखो, मिला क्या कोसाइन रूल, देखो लिखा है अपन ने, सब रूल्स लिखे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी माइनस ए सी इंटू कॉस बी की जगह पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए सी, ये ए बी और ये ए बी गया, ये ए सी और ये ए सी गया, सो वी कैन से ए स्क्वायर के इंटू क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट हुआ, तो बचेगा क्या, दिस विल बी ए स्क्वायर के इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर माइनस टू सी स्क्वायर, सो के अपॉन का भी टू है ना इधर का, अपॉन में टू भी आएगा ना इधर, ये दोनों का अपॉन का टू कट हो जाएगा, सो बचेगा क्या, ए स्क्वायर के इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सिमिलरली ये किसका वैल्यू आ गया तेरा, ए क्यूब इंटू साइन बी माइनस सी का, तो मुझे बता सिमिलरली बी क्यूब इंटू साइन सी माइनस ए का वैल्यू क्या आएगा एंड सी क्यूब इंटू साइन ए माइनस बी का वैल्यू क्या आएगा, इसके ऊपर से बता,
ये देखिए, ए क्यूब है का ए स्क्वायर के हो गया, और बी माइनस ए बी का बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस ए, के, बी स्क्वायर के सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। करेक्ट, बी स्क्वायर के सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा सी स्क्वायर के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बराबर। सर हाँ, अभी सॉल्व करना बाकी है, रुक रुक जा। सो हाँ सर वी कैन से एलएचएस, अभी सब की सब वैल्यू डाल देता हूँ, इसकी जगह पे डाल दूंगा ए स्क्वायर के बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसकी जगह पे बी स्क्वायर के सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सब में से के कॉमन निकालो, और ए ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अभी देख, प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए गया, प्लस बी सी स्क्वायर माइनस माइनस और प्लस, तो बचेगा के इंटू जीरो विच इज इक्वल टू जीरो। अभी बोल, सर, जो आपने राइट हैंड साइड का ऊपर वाला ए स्क्वायर के वो जो कॉस सी का जो वैल्यू था, आपने उसको अरेंज करके बाद में उसको लिखा अरेंज है ना? करके बिना, यस, मेरे को कॉस सी के फॉर्म में लाया मैंने उसको, तो हाँ सर। फॉर्मूला जो लिखो ना उसको कॉस सी के फॉर्म में लाओगे तो आपको मिलेगा। हाँ बोलो, कॉस बी और कॉस सी के फॉर्म में बोल भाई। सर वो बोर्ड्स में डायरेक्टली सिमिलरली वाला लिखा तो चलेगा? दौड़ेगा दौड़ेगा, एक पार्ट अपन ने उसको प्रूव करके बताया ना, तो दूसरा भी सेम ही आएगा। हाँ भाई, कंसीडर में वो ए के अंदर क्यों गए, अंदर क्या समझ नहीं रहा? ए स्क्वायर के ए में कंसीडर के वो लेफ्ट हैंड साइड अंदर नीचे वो हाँ, ए के अंदर क्यों गया? फॉर्मूला लगाने के लिए, ए हाँ बी और ए बी कट होएगा ना इधर, हाँ फॉर्मूला में ए भी आता है तो इधर भी ए भी होगा तो कट हो जाएगा, इजी होने इजी करने के लिए।
डन का डन ना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन। हाँ भाई ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा, अभी बोल रहा हूँ मैं, वापस एक बार आपसे खुद से प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला रख के सामने, दो दो बार सम सॉल्व करना ये बाद में, नहीं तो ये गया काम से फिर, इसमें फॉर्मूला काफी सारे है 3.2 में। नंबर कौन सा, सात, नंबर सात इन ट्रायंगल एबीसी, इफ कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर इन एपी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन शो दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, then show that a square b square c square are also in AP. चलो arithmetic progression है, मतलब difference दोनों का constant आता है, अभी ध्यान से समझना, cot a cot b cot c are in AP, this is given, मतलब ये दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू ये दोनों का डिफरेंस, सो वी कैन से cot b माइनस cot a इक्वल्स cot c माइनस cot b, करेक्ट, माइनस cot b इक्वल इधर ला, cot b प्लस cot b हो जाएगा 2 cot b cot c प्लस cot a, बराबर, सो वी कैन से 2 टाइम्स cos b बाय sin b equals to cos c by sin c is equal to cos a by sin a, यहाँ तक कोई भी doubt? अभी cos b minus cos a कहाँ से लेते? Arithmetic progression है ना? तो difference of the two terms equals to difference of the two terms. So अभी cos a का value, ये cosine rule लगाने का और साइन रूल लगाने का, दोनों एक साथ लगा दो, कोसाइन रूल एंड साइन रूल दोनों एक साथ लगा दो, टू टाइम्स कॉस बी अपन ने अभी लिखा था ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए सी डिवाइडेड बाई बी के, साइन बी का वैल्यू बी के इक्वल्स कॉस सी का वैल्यू will be b square plus c square minus a square. A b आएगा ना, 2 a b आएगा, हाँ बराबर बराबर, 2 b c divided by a k, sin a का वैल्यू और c का वैल्यू आएगा a square plus b square minus c square. सर म्यूट हो गए, ओके कोई डाउट है? ये साइन है पहले लिखा है, ये कॉस सी नहीं है, ये साइन है और ये कॉस सी आगे पीछे लिखा है, अभी समझना ध्यान से, सर म्यूट हो गया, जी अपॉन ए के ओ बी अपॉन सी के, टू ए बी सी के, अभी हर एक का टू ए बी सी के, टू ए बी सी के और टू ए बी सी के कट, ब्रैकेट ओपन कर दो, टू ए स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, कैसे म्यूट हो गया न्यू कर।
कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना मैंने? सर ऊपर अपने तो देखा थी ठीक है, और एक एक तो सर म्यूट हो स्क्वायर इज इक्वल टू 4b² 2 कॉमन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4b² ये 4 और ये 2 गया सो ये बचेगा 2b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये वाला इक्वेशन देखो 2 cot b इज इक्वल टू cot a प्लस cot c 2b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया कि नहीं? यस सर। सो वी कैन से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी मतलब ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट। सर लेकिन वो ये वाले तो स्क्वायर में है ना? तो ये तो स्क्वायर में ही दिया ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी वही तो प्रूव करना। हां हां ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है तो 2b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया। सर साइन से ठीक ही आएगा ना अपने एक ही चीज लिखा हुआ है ये साइन है इधर है और ये साइन से इधर है वो एक ही के सी के इधर मैं ए लिखा है तो ये ए के आएगा और यहाँ पे सी लिखा है तो ये सी के आएगा। इसके और भी रूल्स आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में? नहीं नहीं बस इतने ही रूल्स हैं सर। लेकिन ये रूल्स किधर अप्लाई करने के वो तकलीफ हो जाता है अपने को बिना प्रैक्टिस के। हाँ बोल सर। जो रेशियो में अगर ऊपर कॉस कॉस सी अपॉन सी दिया हो उसका अगर हमने उल्टा लिखा तो सी अपॉन कॉस सी रेशियो में चलेगा? हाँ चलेगा रेशियो होगा तो चलेगा। सर अभी आपका लेक्चर है? हाँ 3 बजे बस ये लास्ट सब 3 बजे लेक्चर है फिजिक्स का कोई भी एब्सेंट रहना मत। हाँ सर वो लास्ट लास्ट कल का लाइव लेक्चर सेंड कर दो ना फिर यूट्यूब पे। सर आपने सेंड नहीं किया मेरे को तुम 9:30 याद दिलाने का मैं तुमको लेट इवनिंग हाँ 9:30 के बाद याद दिलाने का तो ही होगा। ओके सर।